अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर्स, फ्रेंड्स। आज का मेरा जो टॉपिक है वो एनिमल बिहेवियर का, एनिमल बिहेवियर के नेक्स्ट टॉपिक पे मेरा लेक्चर है। और कौन सा टॉपिक है वो माइग्रेशन है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एनिमल बिहेवियर के अबाउट, प्रीवियस टू लेक्चर्स में उसके नर्वस सिस्टम के हवाले से बोला था कि किस तरह नर्वस सिस्टम जो है वो अफेक्ट करता है एनिमल बिहेवियर पे। और लास्ट लेक्चर में हमने बोला कि किस तरह हार्मोनल इफेक्ट होता है एनिमल बिहेवियर पे, और कुछ एग्जांपल्स भी दी जिनमें हमने सस बिहेवियर, कॉशियस बिहेवियर, अग्रेसिव बिहेवियर और पेरेंटल बिहेवियर के हवाले से बात की और उनको रिलेट किया कि उन पे कैसे जो है वो हार्मोनल अफेक्ट होता है और हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं एनिमल्स के इन बिहेवियर पे। तो उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है वो माइग्रेशन है कि एनिमल्स जो है वो माइग्रेशन क्यों करते हैं, किस वजह से माइग्रेशन करते हैं, और माइग्रेशन का काज क्या है, कौन सी वजह है जो उनको माइग्रेशन करने पे मजबूर करती है, और माइग्रेशन के हैजर्ड्स उनके लिए क्या हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं माइग्रेशन के दौरान, उनको क्या खतरात पेश आ सकते हैं, या फिर माइग्रेशन में की कुछ एग्जांपल मैंने दी कि कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो माइग्रेशन करते हैं। इसके साथ हम अपने टॉपिक पे डिटेल में शुरू करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल जाफर्स बायोलॉजी को नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, माइग्रेशन। पहले ये माइंड में एक कंसेप्ट लाना पड़ेगा कि माइग्रेशन होती क्या है, माइग्रेशन होती क्या है। कोई भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपनी टेरिटरी को, जो अपनी होम रेंज को, टेरिटरी वो एरिया जिसमें वो डेली तौर पर, डेली में, डे में, एक डे में, डेली लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में वो जिस हद तक वो मूव करता है, अपने घर के इर्द गिर्द, अपने नेस्ट के इर्द गिर्द, अपनी ब्रो के इर्द गिर्द, तो वो उसकी टेरिटरी है, जहां तक उसकी पहुंच होती है वो उसकी टेरिटरी में आता है। ठीक है, अब जो उसकी टेरिटरी है अब उसमें वो रहता है और अपनी टेरिटरी को वो छोड़ेगा क्यों, अपनी टेरिटरी को छोड़कर वो किसी और इलाका में जाता है, किसी और एरिया में जाता है। जब वो अपनी टेरिटरी को छोड़कर किसी और एरिया में जाता है या किसी और इलाका में जाता है, वो एनिमल जो अपने इलाका को छोड़कर किसी और इलाके में जाता है वो माइग्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। अब ये है कि वो इंडिविजुअल क्या, ऑर्गेनिज्म क्या इंडिविजुअली माइग्रेट कर रहा है, या फिर वो माइग्रेशन फ्लॉक्स की शक्ल में कर रहा है, वो माइग्रेशन ग्रुप्स की शक्ल में कर रहा है, या फिर वो इंडिविजुअली माइग्रेट कर रहा है, जो भी है, जैसा भी है कि वो अपने इलाके को, अपने टेरिटरी को छोड़कर किसी और टेरिटरी में जाता है, किसी और इलाका में जाता है, किसी वो चाहे इलाका करीब का हो या दूर का हो, वो उसकी माइग्रेशन काउंट होती है। मतलब एक टेरिटरी को छोड़कर वो किसी और टेरिटरी में, किसी और की टेरिटरी में जाके अपना बसेरा करता है, किसी और हैबिटेट में जाके अपना बसेरा करता है, वहां पे अपनी टेरिटरी को मेंटेन करता है, टेरिटरी उसको बना लेता है अपनी टेरिटरी को छोड़कर, वो उसकी माइग्रेशन है। वो क्या कहलाती है? उसकी माइग्रेशन है। अब वो किसी इलाके में जाता है,
किसी एरिया में जाता है तो भी माइग्रेशन है, किसी एरिया से जाता है तो भी माइग्रेशन है, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन जहां से जाता है वहां पे उसकी पॉपुलेशन में कमी का बायस बनता है। क्या बनता है? उसकी पॉपुलेशन में कमी का बायस बनता है, जहां पर जाता है उसकी पॉपुलेशन में इजाफे का बायस बनता है। जहां से जाता है वहां की पॉपुलेशन में कमी का बायस बनता है, जहां पर जाता है वहां पे पॉपुलेशन में इजाफे का सबब बनता है। अब इसके कॉजेज क्या थे माइग्रेशन के, कौन सी वजूहात हैं इसके पीछे जो माइग्रेशन करने पे मजबूर करती हैं, तो वो वजूहात हम देखते हैं कौन सी हैं। पहली है कि डेंसिटी पॉपुलेशन। जिस इलाका में कोई एनिमल रह रहा है, जिस रीजन में कोई एनिमल रह रहा है, जिस टेरिटरी में वो कोई रह रहा है, उसमें उस एनिमल में उस जो है रीजन में उस एरिया में उस स्पीशी की या फिर दूसरी स्पीशी की जो कलेक्टिवली पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है, और उसकी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से एनिमल्स को वहां से माइग्रेट करना पड़ता है। अब आप पूछेंगे कि वहां पे एनिमल्स की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से एनिमल्स को माइग्रेट क्यों करना पड़ता है? भाई सिर्फ पॉपुलेशन तो नहीं ना बढ़ रही, पॉपुलेशन अफेक्ट कर रही है किस चीज को? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पहली चीज जो फेस करना पड़ेगी एनिमल्स को वो शॉर्टेज ऑफ फूड है। वो क्या है? शॉर्टेज ऑफ फूड है। तो शॉर्टेज ऑफ फूड को उनको फेस करना है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी टेरिटरी इफेक्ट होगी, उनके नेस्टिंग इफेक्ट होगी, उनके ब्रोज इफेक्ट करेंगी। तो जहां पे वो सर्वाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनका हैबिटेट इफेक्ट होगा, तो वहां पे उस एरिया में अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है, तो डेंसिटी बढ़ने की वजह से एनिमल्स को अब उस जगह में रहने में मुश्किलात का सामना होगा। तो वो क्या करेंगे एनिमल्स? कुछ एनिमल्स करेंगे कि भाई उस इलाके को छोड़कर उस इलाके में चले जाओ जहां पे रिसोर्सेज मौजूद हैं और वो वहां पे सरवाइव कर सकते हैं, वहां पे वो अपनी टेरिटरी कायम कर सकते हैं बेस्ट तरीके से, और वहां पे वो रह सकते हैं, वहां पे वो रह सकते हैं, टेरिटरी अपनी कायम कर सकते हैं, तो उस इलाके को छोड़कर। अब ये तो एक पॉपुलेशन इफेक्ट है, लेकिन यकीनन वो वहां पे अगर जाएंगे जहां पर पॉपुलेशन कम है तो इफेक्टिवली होगा, वहां पर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और चूंकि यहां पे फीड रिसोर्सेज जो है वो कंपनसेट करते हैं किसके साथ? पॉपुलेशन के साथ। ठीक है, वहां पे फूड चेन मौजूद होती है जो प्रे टू प्रेडेटर रिलेशनशिप के वाले से भी मौजूद है कि प्रेडेटर्स और प्रे उनकी डेंसिटी जो है वो अफेक्ट करती है। अगर बिलफर्ज किस जगह पे प्रेडेटर ज्यादा हो जाते हैं, प्रेज कम हो जाते हैं, शिकार होने वाले कम हो जाते हैं, तो नतीजतन जिनकी जो है वो कम हो गए हैं, तो अब एक तरफ जो है जो प्रेडेटर है वो क्या करेंगे? उस जगह को छोड़ेंगे, वो किसी और जगह जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे शिकार तो कम हो गया, उनकी खुराक कम हो गई, वो नई जगह पे जाएंगे अपनी खुराक की तलाश। तो ये दोनों मैंने साथ मिला दिया कि दूसरा है फीडिंग सोर्सेज। तो उनको जिस एरिया में जो खुराक मिल रही थी वो चाहे प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप से मिल रही थी या फिर वो किसी और, क्योंकि जैसे कि बर्ड्स की बात करते हैं तो सारे बर्ड्स तो प्रेडेटरी बर्ड्स तो नहीं है, सारे बर्ड्स तो जो है वो फाल्कन लाइक नहीं है, कुछ पसेरीफॉर्म्स अदर से भी ताल्लुक रखते हैं जो कि दाना उनका चुगते हैं, उनको कुछ नट क्रैकर्स भी हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं कुछ। तो ये जो है उनके अपने फीड रिसोर्सेज है, जब उनके अपने फीड रिसोर्सेज कम होने लगेंगे तो बजाय इसके कि वो उनकी पॉपुलेशन डेथ का शिकार हो जाए, वो डिक्लाइन में चली जाए पॉपुलेशन, तो वो क्या करेंगे? वहां से माइग्रेट करना बेहतर समझेंगे, वहां से माइग्रेट करेंगे और किसी ऐसे इलाके में जाएंगे, किसी ऐसे एरिया में जाएंगे जहां पर उनके फीड रिसोर्सेज ज्यादा मौजूद हों और वो वहां पर सर्वाइव कर सके।
तीसरी वजह इनके साथ क्या हो सकती है, ब्रीडिंग सोर्सेज, ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग सोर्सेज लिखा हुआ था, सॉरी यार, ब्रीडिंग सीजन जो है, अब ब्रीडिंग सीजन क्या हो सकता है, मतलब क्यों, क्योंकि अब एक जो एनिमल है वो रह रहा है तो उसका मखसूस जो है वो एक ब्रीडिंग सीजन है, वो चाहे विंटर हो चाहे समर हो, मोस्टली का जो है वो स्प्रिंग होता है, बाहर जो है वो ब्रीडिंग सीजन होता है, ठीक है, तो फॉल उनका ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। अब इसमें कि अगर उनका ब्रीडिंग, बात कर रहे थे कहां पे ब्रीडिंग सीजन की हम बात कर रहे थे, तो फीडिंग सोर्सेज के बाद की जो माइग्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से माइग्रेशन होती है, या हम बात कर रहे थे डेंसिटी पॉपुलेशन की कि जिनकी वजह से पॉप जो है वो शो करते हैं माइग्रेशन, शो करते हैं कौन, एनिमल्स, वहीं पे वो किसकी वजह से, ब्रीडिंग सीजन, कि उनका वो सीजन जब वो ब्रीड करना चाहते हैं, जो आप जब अपनी ऑफस्प्रिंग पैदा करना चाहते हैं, जब वो रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, उस सीजन में वो अपना, जब उनका ब्रीडिंग सीजन आएगा तो उनकी ख्वाहिश ये होगी कि वो उस जगह को छोड़ें, उस एनवायरमेंट को छोड़ें, उस टेरिटरी को छोड़ें जो उस एनवायरमेंट में है, जहां पे उनको हार्श कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है, जहां पे वार्मर कंडीशंस हैं, या फिर इंतहाई कोल्ड रीजन है, तो वो उसको छोड़ के उस जगह पे जाएं जहां पे फेवरेबल कंडीशंस हैं, और ताकि वो उन फेवरेबल कंडीशन में क्या कर सके, अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। तो उस ब्रीडिंग सीजन के जाने के लिए, ब्रीडिंग सीजन में जाने के लिए, ब्रीडिंग सीजन में उस अपनी जगह को छोड़ने के लिए, फेवरेबल कंडीशंस में जाने के लिए वो क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं ताकि वो ब्रीड कर सके। अब बावजूद इसके कि उनको बहुत ज्यादा खतरात का सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है उनको किसी प्रेडेटर का सामना करना पड़ जाए, हो सकता है वो किसी स्ट्रॉन्ग की कंडीशन का सामना करना पड़ जाए, बावजूद इन कंडीशंस के वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अपने जीन्स को आने वाली नस्ल में पास कर सके, आने वाली नस्ल में अपने जीन्स को पास ऑन कर सके, ऑफस्प्रिंग्स को पैदा कर सके। तो इसीलिए ब्रीडिंग सीजन के दौरान वो क्या करते हैं, वो मूव करना पसंद करते हैं, माइग्रेट करना पसंद करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब चौथी चीज यहां पे क्या, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं वो किस तरह अफेक्ट करती हैं, क्लाइमेटिक, मैं जैसे आपको पहले ब्रीडिंग सीजन के हवाले से बता रहा था कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे इस रीजन में जो पाकिस्तान का रीजन है, जो पोलर रीजन है, तो जो ठंडे इलाके नहीं है उनकी बात कर रहा हूं, जो टेम्परेट इलाके वाला है, तो यहाँ पे समर विंटर सीजन में हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे नए किस्म के बर्ड्स आ चुके होते हैं। और वो बर्ड्स यहाँ पे क्यों आते हैं, क्योंकि वो बर्ड्स उन इलाकों में रहते हैं जहां पे ठंडा मौसम होता है, कोल्डर रीजन होते हैं, लेकिन वहां पे जब हमारे पास समर कंडीशन होती है या वहां पे समर कंडीशन होती है तो वहां पे एनवायरमेंट जो है वो फिजिबल होता है, वो सूटेबल होता है एनवायरमेंट, दे कैन सर्वाइव देयर इन दैट टाइप ऑफ मॉडरेट कंडीशन, तो वहां पे टेम्परेचर फिजिबल है, सूटेबल है, दे में सर्वाइव देयर। लेकिन जब वहां पे विंटर सीजन आता है, विंटर सीजन में इवन स्नोफॉल होना शुरू कर देती है, या वहां पे इंतहाई जो है वो ठंडा टेम्परेचर हो जाता है, बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है, देन दे टेंड टू माइग्रेट देयर। वो वहां से माइग्रेट करते हैं, कहां पे माइग्रेट करना चाहते हैं, दे वांट टू माइग्रेट देयर एट दैट वन एनवायरमेंट, एट दैट वन क्लाइमेटिक कंडीशन वेयर देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फिजिबल, वेयर देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस आर सूटेबल एंड स्लाइटली वार्मर देन दैट वन कोल्ड रीजन, उन ठंडे इलाकों से वहां पे एनवायरमेंटल कंडीशंस कदरे वार्मर होती हैं, मतलब कि वो फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं होता, वो स्नोफॉल नहीं होती है, वो ठंडे टेम्परेचर के हिसाब से इंतहाई लो डिग्री टेम्परेचर नहीं होता,
तो वो उस जाने मूव करते हैं। लेकिन जब उस रीजन में मूव करते हैं जहां पे वो विंटर सीजन में भी कदर वार्मर कंडीशंस होती हैं, जब वहां पे समर सीजन आएगा टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा, तो देन वो माइग्रेट करेंगे अपने वापस इलाके में, क्योंकि वहां पे अब उनके लिए फिजिबल कंडीशंस हैं, वहां पे उनके लिए सूटेबल कंडीशंस हैं। दे माइग्रेट बैक देयर ओन टेरिटरी, दे माइग्रेट बैक देयर ओन हैबिटेट, तो ये वापस माइग्रेट कर दिए जाएंगे। अब चूंकि वो माइग्रेशन करते हैं और इस माइग्रेशन में मैंने आपको बताया है उनको प्रेडेटर का सामना भी करना पड़ता है, डिफरेंट कंडीशन का सामना करना पड़ता है, बट दे टेंड टू माइग्रेट, वो माइग्रेट करते हैं। हम आगे चलते हैं कि इस माइग्रेशन के दौरान उनको फ्यूल चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी कहां से मिलती है जबकि वो माइग्रेट कर रहे हैं। हो सकता है माइग्रेशन में वो ओशन से जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं, हो सकता है माइग्रेशन के दौरान ऐसे उनको एनवायरमेंट का सामना करना पड़े, ऐसे एरिया का सामना करना पड़े जहां पे फीडिंग रिसोर्सेज जो है वो कम हो, तो वहां पे अगर उनको एनर्जी जो है वो जरूरत पड़ेगी। अगर हम बर्ड्स की बिल्कुल बात करते हैं, दो फ्लाइट कर रहे हैं, फ्लाइट में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी वो कहां से लेंगे, फ्लाइट में जो उनको एनर्जी चाहिए वो कहां से लेंगे, जब तक उनको खुराक मिलेगी उसको एनर्जी लेंगे, उससे अपनी एनर्जी पूरी करेंगे। लेकिन अब ये कंडीशन हमें नजर आती है दूसरी तरफ कहां पे, जब हमें नजर आती है कि जनाब एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो एनिमल्स भी जो है वो मूव तो करते हैं, उनको मूवमेंट में भी उनको एनर्जी की चाहिए होती है। इसी तरह हम अगर ओशनिक एक्वाटिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, फिश हैं, मछली हैं, उनको माइग्रेट करने के लिए जो है वो एनर्जी चाहिए, मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से लेते हैं, वो जब माइग्रेशन करने लगते हैं तो माइग्रेशन करने से पहले वो टिका के खाते हैं। टिका के खाने का मतलब ये है कि वो अपनी फीडिंग करते हैं और फीडिंग के नतीजे में अपने बॉडी के अंदर फैट को स्टोर कर लेते हैं, क्या करते हैं, फैट्स को स्टोर कर लेते हैं। और जो फैट्स को स्टोर करते हैं आफ्टर स्टोरिंग ऑफ फैट्स आफ्टर फीडिंग ऑन द फीडिंग रिसोर्सेज देन टेंड टू माइग्रेट देन मूव टू माइग्रेशन एंड ड्यूरिंग माइग्रेशन ड्यूरिंग देयर माइग्रेशन दे मेटाबोलाइज दिस ऑन फैट्स which were obtained from their feeding resources. They metabolize their fats and achieve and produce its energy from their feeding sources, from their fats which were accumulated in their body, CO2 along with water. ये जो energy और water उनको मिला है, ये energy जो मयसर आई है, उस metabolism के नतीजे में, मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो उनको एनर्जी मिली है, वो मेटाबॉलिज्म जो वो फैट्स का कर रहे हैं, वो मेटाबॉलिज्म जो वो फैट्स को स्टोर करके कर रहे थे, उस मेटाबॉलिज्म की बात की जा रही है जो कि उन्होंने माइग्रेशन से पहले फीडिंग रिसोर्स फीड करके बहुत ज्यादा और इस तुरंत फीड करके अपना कुछ हद तक वेट भी बढ़ा लेते हैं, उससे एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को उस ATP को इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, माइग्रेशन के लिए। अगर वो फ्लाइट कर रहे हैं तो फ्लाइट के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, अगर वो चल रहे हैं तो वॉक कर रहे हैं तो वॉकिंग के लिए उस एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे, अगर वो समंदर में हैं, वो रिवर में हैं, एक्वाटिक एनवायरमेंट फ्रेश वाटर है या मैराइन वाटर है, तो वहां पे वो क्या करेंगे, अपनी स्विमिंग के लिए उस एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे ताकि वो माइग्रेट कर सके। और इस दौरान जो है वो फिर वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्लाइट कर रहे हैं बर्ड्स, और आपको पता है बर्ड्स वैसे भी जो है वो कम उनको वाटर की एनवायरमेंट वाटर की अमाउंट चाहिए होती है, क्योंकि वो वाटर जैसे वो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन करते हैं ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन देयर बॉडी, तो इस वजह से अब उनको वाटर की कम कंडीशन चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं, तो वही एनर्जी के साथ जो वाटर पैदा हो रहा था एक्स्ट्रा सोर्सेज के तौर पे, बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे, तो ये उसको इस्तेमाल करते हैं, अपने वाटर की जो है वो कंडीशंस को पूरा करते हैं और सेल्स के उसके जो टिश्यूज हैं उनको ये ड्राई ऑफ नहीं होने देते, उनको वेट रखते हैं, और नतीजतन जो है ये इनकी वाटर की कमी भी पूरी होती है और एनर्जी की कमी भी पूरी होती है, वो जो उन्होंने फैट स्टोर की थी उनके जरिए से इनकी जो है वो फैट की जो है वो कमी पैदा पूरी होती है। अब अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स, इनकी कुछ एग्जांपल लेना चाहते हैं, मैंने कुछ चंद के एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे जो हैं वो एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं, माइग्रेशन का बिहेवियर शो करते हैं। अब इनमें क्या है कि आपके टर्न है,
आर्कटिक टर्न वो परिंदा है जो आर्कटिक रीजन से एंटार्कटिक रीजन तक मूव करता है, अक्रॉस द ओशन मूव करता है। अक्रॉस द ओशन जब मूव कर रहा है तो नियर अबाउट 36,000 किलोमीटर ये माइग्रेशन करता है, ये सफर करता है 36,000 किलोमीटर। और माइग्रेटरी बर्ड्स में सबसे लंबे सफर की माइग्रेशन करने वाला ये परिंदा है कौन, एंटार्कटिक टर्न जो है सबसे ज्यादा माइग्रेशन लंबे सफर की माइग्रेशन करने वाला ये परिंदा है, बहुत लंबी माइग्रेशन करता है। आप अब इमेजिन करें कि 36,000 किलोमीटर की जो माइग्रेशन करने जा रहा है परिंदा, उसको क्या वो बगैर खाए पिए रह सकता है, क्या वो बगैर खाए पिए फ्लाइट कर सकता है, क्या उसके अंदर एनर्जी की कमी होगी और वो माइग्रेशन शो कर पाएगा, मर जाएगा। अपनी माइग्रेशन को वो करता है, अटेम्प्ट करता है ब्रीड करने के लिए, वो अपना जो है वो सफर करता है और हैबिटेट को चेंज करता है, सिर्फ माइग्रेशन शो करता है। जस्ट किस लिए? कि वो अपने को अपनी ब्रीडिंग करवा सके और एनिमल्स को जो है वो आगे अपनी ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सके, सिर्फ इस मकसद के लिए 36,000 किलोमीटर का वो सफर तय करता है। और इसलिए जब ये माइग्रेशन कर रहा है तो अल्टीमेटली से बात है, इससे पहले फैट्स को स्टोर करना पड़ेगा, पहले खाना पड़ेगा टिका के, ताकि उसकी एनर्जी को कमी को जो है वो पूरा कर सके। अब इस तरह ईयर्स है या सॉल्मन है, ये दोनों मूव करती है किसके लिए, ब्रीडिंग के लिए, ब्रीड करने के लिए मूव करती है। सालमन हम जानते हैं कि ये उसमें मैरीन एनवायरनमेंट में रहती है और मैरीन एनवायरनमेंट से ये मूव करती है किसकी तरफ, फ्रेश वाटर की तरफ, और ये रिवराइन साइट पे आती है। अब जब ये रिवराइन साइट पे आती है तो ये क्या करेगी, वहां पे आने के बाद क्यों वहां पे एग्स ले करेगी, क्योंकि अपने एग्स देगी और एग्स जब हैच करेंगे, इसके बच्चे जब पैदा होंगे, तो वो बच्चे अब वो मैरीन में क्यों नहीं दे सकती, पहला सवाल ये था कि उसे मैरीन में दे देती, वहां पे एग्स ले करती, वहां पे वो एग्स हैच करते, उनको जो है फिर ये उनको एग्स ले करने के लिए स्पेशली मैरीन से इतना लंबा सफर तय करके वो कहां पे, वो फ्रेश वाटर में क्यों आती है, किस लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो बच्चे इनके जो पैदा होते हैं एग्स हैच करने के बाद, उनको ऑक्सीजन की ज्यादा जो है वो जरूरत होती है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए उनके पास, तो जो इसलिए वो फ्रेश वाटर में आते हैं, पैदा होते हैं वहीं पे, हैच कर जब एग्स हैच होते हैं वो पैदा होते हैं, और वो उनके बच्चे जो है ऑफस्प्रिंग जो है जब तक मैच्योर नहीं हो जाते वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं तो देन वो माइग्रेट बैक करते हैं वहां पे जहां से उनकी मदर आई थी, और वो मैरीन एनवायरमेंट की तरफ जो है वो माइग्रेट करते हैं। अब उसके साथ पसेरी फॉर्म्स जो है वो ऑर्डर की मैंने बात की है, इसलिए मैंने यहां पे इस ऑर्डर की बात की है क्योंकि जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, अगर देखें बर्ड्स की बात करते हैं तो जो लॉर्जर साइज हैं वो क्या करते हैं, जब अपने खुराक को स्टोर कर रहे होते हैं तो वो अपने डे टाइम भी माइग्रेट कर देते हैं, वो डायर्नल रिदम के तहत जो है वो डे टाइम जो डे लेंथ में वो मूव करते हैं। लेकिन जो छोटे साइज वाले बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, छोटे साइज वाले बर्ड्स जो है वो क्यों मूव करेंगे, वो इसलिए के जैसे वो मूव करते हैं तो वो रात को मूव करेंगे, जब लेंथ जो है वो नाइट की जो है वो ज्यादा होती है उस वक्त माइग्रेट करना पसंद करेंगे। क्यों, इसलिए क्योंकि डे टाइम की लेंथ कम होती है और डे जो है जब लाइट के जो है नाइट का जो पीरियड है वो ज्यादा होता है तो डे लेंथ कम होती है, तो उस वक्त क्या परचिंग करेंगे, अपनी फीड को इकट्ठा करेंगे, फीड को स्टोर करने के बाद देन रात को मूव करेंगे और रात को जो है वो आगे मूव करते हैं। बहरहाल अलॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं जिनमें इंसेक्ट्स में है, ये बटरफ्लाइज वगैरह, ये जो है मोस वगैरह, ये अपने करीबी एनवायरनमेंट में भी ये मूव करते हैं। तो बहरहाल इनकी माइग्रेशन बहुत ज्यादा लेंथ की भी हो सकती है, स्मॉलर लेंथ की भी हो सकती है, ये माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया कि माइग्रेशन तो ये करते हैं, अब इसे कुछ ही मैंने एग्जाम्पल थी माइग्रेशन के, अलॉट ऑफ एग्जाम्पल मौजूद हैं। अलॉट ऑफ इसकी एग्जाम्पल मौजूद हैं माइग्रेशन की, बहरहाल मैंने कुछ सिर्फ माइग्रेशन के समझाने के लिए बात की है, अब मैं बात कर रहा हूं कि हैजर्ड्स की। अब बावजूद इसके
और उनको माइग्रेशन में इतने ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है, वो इतने ज्यादा जो है वो डिसएडवांटेजेस उनको जो है वो हैजर्ड का सामना करना पड़ता है, फिर भी माइग्रेशन करते हैं। कौन से हैजर्ड का सामना करना पड़ता है? पहली ये चीज, अगर वो मूव करते हैं कोई प्रेडेटर अटैक कर सकता है, प्रेडेटर उनको खा जाएगा, खाने के बाद वो जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। कोई जो है वो मैमल एनिमल मूव कर रहा है मैमल्स की शक्ल में, तो शेर को अटैक कर देगा, ठीक है, कोई चीता अटैक कर देगा, उनको खा जाएगा, उनकी जान गई, लेकिन फिर भी वो माइग्रेशन करना चाहते हैं, बावजूद इसके उनकी जान को खतरा है, वो माइग्रेशन करना चाहते हैं। किस लिए? अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीन्स की बका के लिए, अपने ऑफस्प्रिंग्स के लिए वो माइग्रेट करेंगे और माइग्रेशन का बिहेवियर वो शो करेंगे। अब दूसरी साथ है कि अगर कोई बर्ड्स हैं वो फ्लाइट कर रहे हैं या एनिमल्स जा रहे हैं, रास्ते में जो है वो तेज हवा चलती है, विंड का मौसम होता है, स्टॉर्म तूफान उठने लगता है, या अगर हम उसकी मैरीन एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, तूफान उठता है, वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, अपना रास्ता भूल जाते हैं, धन गए, बावजूद इसके इतने खतरात हैं फिर भी वो माइग्रेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इतने खतरात उनको सामना करना पड़ सकते हैं, विंड का, स्टॉर्म का, या प्रेडेटर्स अटैक कर सकते हैं, या फिर एक और ये हो सकता है कि जैसे बर्ड्स मूव कर रहे होते हैं, तो हमने कई दफा देखा है जो बर्ड्स फ्लाइट कर रहे होते हैं, फ्लाइट के दौरान वो बिजली के जो टावर्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के टावर्स लगे होते हैं, तो उनपे वो तारों के साथ बैठते हैं या वहां पे हाई वोल्टेज करंट गुजरता है, तो उनसे टकराते हैं और वो वहां पे मर जाते हैं, तो ये भी उनको सामना करना पड़ता है। या फिर वो फ्लाइट के दौरान किसी जहाज से टकरा जाएंगे, किसी टायर से टकरा जाएंगे, तो उनको जान का नुकसान हो सकता है, या फिर वो फ्लाइट करते हुए किसी गाड़ी से टकरा सकते हैं, तो उनको नुकसान करना नुकसान उनकी जान को नुकसान हो सकता है। तो इतने हैजर्ड्स हैं उनके माइग्रेशन के लिए इसके सामने, जिनके बावजूद वो माइग्रेशन शो करना पसंद करते हैं। उसके अलावा ये जो मोबाइल कंपनी है जिन्होंने हाई वोल्टेज किस्म के जो है वो टावर लगाए हुए हैं, और जिनकी रेडिएशन जो है वो जबरदस्त किस्म की फ्रिक्वेंसी वाली होती है, और इनकी जबरदस्त किस्म की रेंज होती है, वो इफेक्ट कर सकती हैं इनके जो है वो ब्रेन को इफेक्ट कर सकती हैं, या वैसे इनके जो है वो मेंटली तौर पर डैमेज कर सकती हैं, और ये मर भी सकते हैं उनके रेज की वजह से। तो इतने ज्यादा खतरा मैंने कुछ यहाँ पे बताए हैं, तो ये खतरा होने के बावजूद भी ये माइग्रेशन शो करते हैं, एनिमल जो है वो माइग्रेट करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो इसकी वीडियो को जो है इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।